नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया है। समांतर श्रेणी 100, 40, 70 का 40वां पद ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसमें समांतर श्रेणी दिया है, हल दिया गया समांतर श्रेणी है हमारा 100, 70, 40। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें 40वां पद ज्ञात करना है। देखिए, इसमें प्रथम पद हमारा दिया है, प्रथम पद a इक्वल टू जो स्टार्टिंग वाला पद होता है दोस्तों, वह प्रथम पद होता है। ठीक है, तो इसमें a का मान क्या दिया है, 100 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद सर्वांतर निकाला जाता है, सर्वांतर d का मान। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस अवश्य उस क्वेश्चन को देख लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे सर्वांतर जो होता है दोस्तों, दूसरा पद में प्रथम पद को घटाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर दूसरा पद है 70 और प्रथम पद है 100, इसको घटाया जाएगा। 70 में 100 को घटाते हैं तो सर्वांतर निकल आता है। तो डी का मान यहाँ से हमें मिला है -30। ठीक है दोस्तों, अब हमें प्रथम पद और सर्वांतर मिल गया है, तो अब हमें 40वां पद ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक n-वां पद का फार्मूला होता है, n-वां पद का फार्मूला टी एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है दोस्तों। अब इसमें हमें 40वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n का मान 40 है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। टी 40 इक्वल टू a का मान, देखिए दोस्तों 100 है, यहाँ पर पुट करेंगे 100। ठीक है, अब उसके बाद n का मान 40 है दोस्तों, 40 माइनस एक इंटू डी का मान यहाँ पर निकाल रखे हैं -30, तो यहाँ पर रखा जाता है -30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, वही 40वां पद का उत्तर होगा दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 100, फिर ये प्लस 40 में एक घटेगा तो आ जाता है 39 गुणा -30। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब उसके बाद अगला देखिए, 100, अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा हम लोग जानते हैं दोस्तों कि माइनस होता है। अब 39 में 30 का गुणा करने पर ये कितना आता है दोस्तों, 1170। ठीक है दोस्तों, अब उसके पश्चात 100 में 1170 घटेगा तो ये आ जाता है -1070। ठीक है, यही जो हमें मिला है वही 40वां पद है दोस्तों। अतः उत्तर लिखना, अतः 40वां पद बराबर -1070 होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।